दोस्तों मेरा नाम है समय और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल टेक्निकल समय। दोस्तों आज हम बात करेंगे टैक्समो मोटर के बारे में। तो दोस्तों जो टैक्समो की मोटर होती है बड़े हेड की, उसके अंदर कुछ ऐसी कमियां आती हैं जिनसे आप कंफ्यूज हो जाते हैं और वो फॉल्ट आपको पकड़ में नहीं आता। आज मैं इसी के बारे में बात करूँगा और आपको बताऊँगा भी। दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखें और ध्यान से देखें। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि आपकी मोटर थोड़ा सा प्रेशर तेज देती है, उसके बाद उसका प्रेशर धीरे धीरे कम पड़ जाता है और पानी बिल्कुल भी नहीं आता है। और कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं, पूरी मोटर खोल देते हैं, पूरे हेड खोल देते हैं, लेकिन आपको बीमारी पकड़ में नहीं आती। इसके बारे में मैं बताऊंगा। और कई बार ऐसा होता है कि मोटर आपकी सही है लेकिन घूम नहीं रही है, तो उस कंडीशन में आप उसको कैसे सही कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से देखें। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो गाइस आप देख रहे हैं कि सामने आपके मोटर रखी हुई है। अब हम इसका हेड खोलेंगे और हेड खोलने के बाद इसके एम्पलर आपको दिखाएंगे। इसके अंदर कुछ ना कुछ फंसा हुआ है, क्योंकि जब मैंने ये मोटर खोली थी तो मुझे इसके जो खींचने वाली पाइप है वहाँ से कुछ प्लास्टिक का नज़र आ रहा था। तो इसलिए मैंने इसको मोटर को खोला और हेड को खोला। तो हेड को खोलने के बाद दोस्तों हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर कुछ प्लास्टिक टाइप का फंसा हुआ है। तो गाइस यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, इसका एम्पलर खोलना है। एम्पलर किस तरह आप इसको खोल सकते हैं आप अभी मैं आपको बताऊंगा खोलकर। और खोलने के लिए दोस्तों आपको इसमें बड़ी चाबी चाहिएगी, या फिर हो सकता है आपके पास पाइप रिंच हो, उससे भी ये खुल जाता है। तो फिलहाल दोस्तों मेरे पास ये प्लास था, ये वाला, इससे मैंने इसको खोला है। तो दोस्तों ये घूम रहा है और घूमने के लिए इसको पीछे से पकड़ना पड़ेगा। लेकिन आप कोई स्टेड या कोई ऐसा बोल्ट लें या फिर छोटा सा पेचकस लें और इस एम्पलर के अंदर यहाँ डाल दीजिए आप इसको। यहाँ पे इसका कट होता है पानी खींचने का, उसमें डालकर जब इसको आप खोलेंगे तो ये आसानी से आपका खुल जाएगा। दोस्तों इसका ये सेंटर आप देख लें, उसके बाद जब आप इसको डालेंगे तो आसानी से खुल जाएगा। और खुलने के बाद इसमें अंदर जो फंसा हुआ है उसको आप आसानी से निकाल सकते हैं। और दोस्तों इसके अंदर एक फॉल्ट और आता है, आपकी मोटर 5 मिनट सही पानी उठाती है और उसके बाद उसका प्रेशर डाउन हो जाता है। तो दोस्तों इस कंडीशन में आपको समझ में नहीं आता, आप सोचते हैं कि हो सकता है मोटर ख़राब है, कंडेंसर ख़राब है या फिर इसका रोटर ख़राब है। तो उस कंडीशन में आप क्या करें, सारी मोटर आपने चेक कर ली लेकिन एक फॉल्ट आपसे ऐसा रह गया कि आपको पकड़ में नहीं आया वो। तो उसके लिए भी मैं अभी लास्ट में आपको बताऊँगा, उससे पहले हम इसका एम्पलर निकाल के आपको दिखाते हैं। इसके अंदर ये प्लास्टिक का कुछ ये फंसा हुआ था, इसको निकाल कर और इसको वापस हम फिट कर फिर आपको चलाकर दिखाएंगे। दोस्तों ये बिल्कुल भी नहीं घूम रही थी मोटर इस कंडीशन में। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि आपको पता नहीं है क्या हुआ मोटर में, और लेकिन इस ऐसे कंडीशन से मोटर ख़राब हो जाती है। तो दोस्तों आप जब उसमें करंट देंगे तो मोटर हल्का सा वाइब्रेशन सा करेगी, हल्का सा आवाज़, और मतलब फॉल्ट नहीं होगा। अगर मोटर के तार लगाते हैं फॉल्ट होता है तो समझिए आपकी मोटर की वाइंडिंग ख़राब है। लेकिन आपने तार लगाए और हल्का सा वाइब्रेशन आ रहा है तो इसका मतलब मोटर सही है, मोटर जाम है। और कई बार ऐसा होता है कि आपकी मोटर जाम नहीं है, आप हाथ से घुमा रहे हैं और फिर उसमें करंट दे रहे हैं और फिर भी वो वाइब्रेशन करती है, तो समझिए उस कंडीशन में उसका कंडेंसर ख़राब हो सकता है और उसकी स्टार्टिंग वाइंडिंग है वो ख़राब हो सकती है। और अगर मोटर जाम है और वाइब्रेशन कर रही है हल्का सा, तो इस कंडीशन में मोटर की वाइंडिंग सही है, मोटर में जाम यानी कि हेड की कोई प्रॉब्लम है। दोस्तों इस मोटर के जो बेयरिंग होते हैं वो जल्दी से ख़राब नहीं होते और बेयरिंग की वजह से जाम नहीं होती है, बहुत ही कम चांस है जो बेयरिंग की वजह से ये मोटर जाम होगी, मोटर बेयरिंग की वजह से जाम नहीं होगी। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये प्लास्टिक का कुछ ऐसा इसमें कुछ फंसा हुआ था जो इसके पानी के जो पाइपलाइन होती है वहाँ से खींचा था। तो दोस्तों इसमें एक जाली भी आती है, वो भी लगाने चाहिए आप उनको, लेकिन उस जाली का एक नुकसान है जो मैं भी आपको बताऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप इसको जब निकाल लेंगे, निकालने के बाद दोस्तों इसका सारा कचरा हटाकर आपको ये वापस से फिट करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं और भी काफ़ी कचरा इसका निकला है। अब आपको क्या करना होगा, इसको इसी तरीके से फिट करना है। उससे पहले हम इसका पीछे का पार्ट हटा के देख लेते हैं, हो सकता है पीछे और भी कुछ हो। तो यहाँ से जब हम इसमें हथौड़ी मारेंगे, दोस्तों इससे पहले आप इसमें निशान ज़रूर लगाएं, पार्ट को खोलने से पहले तीनों पार्टों में निशान लगाएं ताकि आप जब फिट करें तो आपको परेशानी नहीं आए। वैसे तो इसमें निशान होते हैं, आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी निशान लगा लेंगे
तो कोई आपको परेशानी नहीं आएगी। और दोस्तों ये पैकिंग इसकी ख़राब हो चुकी है, आपको कोई कार्ड वगैरह शादी का जो कार्ड होता है इस तरह का कोई गत्ता होता है वो गत्ता लेकर इस साइज की पैकिंग बनाकर और इस पर लगा के ग्रीस लगाकर उसको पैकिंग लगाना होता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने पीछे की पैकिंग तो लगा चुका हूँ मैं और सामने की भी मैंने लगा दी है, आप यहाँ देख सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों इस तरह का पेपर आता है, इसमें से आपको काटना है और काटने के बाद दोस्तों ये इस तरह पैकिंग लग जाएगी। एक पार्ट मैंने लगा दिया है इसका और जब दूसरा पार्ट हम बाहर लगाएंगे उससे पहले हम एम्पलर इसमें लगाएंगे। एम्पलर किस तरीके से लगता है आप देखें, जैसे हमने इसको खोला था उसी तरीके से आपको ये लगाना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं इसमें लगा देता हूँ और अब एम्पलर हम इसमें कसेंगे और कसने के बाद इसको पूरा टाइट ठोक दीजिए, जहाँ मतलब जितनी साइज पे रहता है उसके हिसाब से। तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं इस तरह आप इसके पैकिंग पर ग्रीस लगा लें और ये एम्पलर इस साइज से लगेगा। और फ्रेंड्स इसके बाद हम इसको इस तरीके से ठोक देंगे और ठोकने के बाद आपको इसके जो पेच हमने खोला था उसको कस देना है और इसको आप पूरा अच्छे से ठोक दें, आगे तक बिल्कुल टच कर दें। और टच करने के बाद दोस्तों इसमें आपको जो इसका बाहर का पार्ट है वो आपको कस देना है, उससे पहले ये नट आपको बिल्कुल टाइट करना है उसी तरीके से जिस तरीके से हमने इसको खोला है। तो यहाँ पर ये हमने कस दिया है और अब इसको आप चाबी से या पाइप रन से जैसी आपकी सुविधा होती है उसके हिसाब से आप इसको टाइट कर दें, फुल टाइट कर दें, लूज ना छोड़ें। और ये हमने यहाँ पर टाइट कर दिया है और टाइट करने के बाद अब बाहर वाला पार्ट हम इसका लगा देंगे। और बाहर वाला पार्ट लगाने के बाद इसके पेच आपको टाइट कर देने हैं और साइड में मैं आपको निशान दिखाऊंगा, मैंने इस तरीके से निशान लगाए थे खोलने से पहले। खोलने से पहले जब आप इसमें निशान लगा लेंगे तो उससे क्या है कि आपका जो ये पार्ट हैं चेंज नहीं हो गए, जिससे ये होता है कि आपके पार्ट चेंज हो जाते हैं और उस कंडीशन में प्रेशर डाउन हो सकता है और प्रेशर में फ़र्क पड़ सकता है। तो आपको चाहिए कि आप इसके तीनों पार्टों पर निशान लगाएं और निशान लगाकर उनको बराबर उसी दिशा में लगाकर मतलब बराबर कस दें। तो दोस्तों पीछे से आप इसकी पंखड़ी पकड़ सकते हैं और उससे टाइट कर सकते हैं। इसके बाद आप इसका बाहर वाला पार्ट यहाँ पर लगा सकते हैं और यहाँ पर आप देखें मैंने यहाँ पर ये निशान लगाए थे, आपको दिख रहा हो तो मार्कर यहाँ पर ये मार्कर लगाया था मैंने, ये दो निशान लगाए थे और इसी निशान के थ्रू मैंने ये सेट किया है। तो इस खोलने से पहले ये निशान आपको ज़रूर लगाना है और जब निशान के हिसाब से ही आप इसको फिट करें। और इसके बाद जब लास्ट में इसमें दो पैकिंग लगती हैं, एक बाहर वाले पार्ट पे और एक अंदर वाले पार्ट पे, ये गत्ते की पैकिंग होती हैं, जो शादी का कार्ड होता है वो भी ले सकते हैं या फिर इस साइज़ का कोई भी कागज़ हो वो काम में आप इसमें ले सकते हैं। और इसके बाद आप इसके हेड को टाइट कर दीजिए। हेड को टाइट करने के बाद पीछे से इसको आप घुमा के देखें और पेचों पे ऑयल भी डाल लें ताकि अगली बार जब आप खोलें तो इसमें कोई परेशानी आपको नहीं आए। तो यहाँ पर हम इसको टाइट कर देंगे और टाइट करने के बाद अब हम आपको इस मोटर को चलाकर दिखाएंगे। दोस्तों सारे जितने भी बोल्ट हैं इनको बराबर कसें और कम ज़्यादा ना कसें, उससे अपसेट हो जाता है और मोटर जाम हो सकती है, इसलिए इनको सबको बराबर कसें। और हल्का सा टाइट हो जाता है तो इसमें आप डबल पैकिंग लगा सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपने ये बहुत ज़्यादा टाइट कर दिया और फिर मोटर नहीं घूम रही है तो उस कंडीशन में होता क्या है कि एम्पलर टच हो जाता है पार्ट के। आप इसको एक बार टाइट करके खोल कर और फिर एक पैकिंग और लगा दीजिए जिससे ये पार्ट पर टच नहीं होगी और आराम से घूमने लगेगी। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि इसमें गैप ज़्यादा हो जाता है तो आप इसमें ज़्यादा पैकिंग नहीं लगानी चाहिए, अगर इसमें गैप कम है तो आप पैकिंग लगा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मतलब पार्ट आपने नए बनवाए हैं और उसमें गैप नहीं रखा है तो उसमें आप डबल पैकिंग लगा सकते हैं मोटे गत्ते की, जिससे वो स्पेस हो जाएगा और मोटर फ्री हो जाएगी। और जैसे जैसे हेड कटता जाएगा तो आप उसमें एक पैकिंग और कम कर दें जिससे इसका प्रेशर वापस से बढ़ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह आप इसको टाइट कर देंगे तो ये मोटर आपकी बिल्कुल फ्री हो जाएगी और इसमें लीकेज वगैरह नहीं रहेगी। इसका भी आप ध्यान रखें कोई लीकेज वगैरह नहीं हो। और पानी डालकर आप इसकी ऑयल सील ज़रूर चेक करें, ऑयल सील ख़राब होने से प्रेशर भी डाउन होता है। तो इसमें
आप इस तरीके से इसको सही कर सकते हैं। और अब मैं आपको इसको चलाकर भी दिखाऊंगा, या मैंने यहाँ पर टाइट कर दी है और अब हम इसका वायर लगा के और इसमें पानी डाल के आपको चला कर दिखाएंगे। तो दोस्तों खाली मोटर आप ज़्यादा टाइम मत चलाइए, इसकी जो वाटर सील होती है वो ख़राब हो सकती है। और दोस्तों अब हम इसको आपको तार लगा के और चला कर दिखाएंगे। और इससे पहले तो दोस्तों जिस जाली की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आप उसको देख सकते हैं, इस जाली, ये जाली खींचने वाली पाइप में लगती है और इसमें कचरा आकर मतलब ये जाली चौक हो जाती है। जिस कंडीशन में कई बार ऐसा होता है कि प्रेशर आ जाता है और कई बार ऐसा होता है कि प्रेशर नहीं आता है। तो दोस्तों अगर आप इसको खोल के नहीं देखते हैं और आप पूरी मोटर खोल देते हैं तो आपको फॉल्ट नहीं पकड़ में आता है, इसलिए इसके पाइप को भी खोल कर देखें और इस जाली को साफ़ करें और फिर लगाएं। तो दोस्तों जिस जाली की हम बात कर रहे थे उसकी वजह से भी प्रेशर का फ़र्क पड़ता है, और आप इसको ज़रूर खोल कर एक बार चेक करें। आप इसमें पानी डाल लीजिए, पानी नहीं डालेंगे तो इसकी वाटर सील ख़राब होने के चांस होते हैं, क्योंकि वो गर्म होकर ख़राब हो सकती है। इसमें आपको पानी भरना है और इसके तार लगाने हैं। आप यहाँ देख सकते हैं मोटर आपकी चालू है और प्रेशर इसका काफ़ी अच्छा है। और दोस्तों हल्का फुल्का ये आवाज़ करती है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई बार क्या होता है कि एम्पलर हल्का सा टच होता है जो बाद में नॉर्मल हो जाता है। तो इस तरह आप अपनी मोटर को सही कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं, हम उसका जवाब आपको ज़रूर देंगे। तो दोस्तों मैंने आपको बताया किस तरह आप अपनी मोटर को सही कर सकते हैं। तो दोस्तों टैक्समो की जो मोटर आती है उनमें इस तरीके के फॉल्ट आते हैं जो आपको समझ में नहीं आते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।